नमस्कार, एक बार पुनः निवेश क्लासेस बाका में आप सबों का स्वागत है। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर कर लेंगे। और आज हम विभाज्य पर आधारित प्रश्न एक बार फिर पुनः पढ़ेंगे टाइप चेंज के साथ। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं क्या है कि 17/19 को अगर 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब इस प्रकार अगर प्रश्न रहे तो हम बनाएंगे कैसे। 17/19 करना बहुत बड़ी बात है, संभव नहीं है। तो एक तरीका का हम प्रयोग करेंगे, वो आसान तरीका जो आप इससे बना सकेंगे कि अगर इस जिस पर हम पावर देख रहे हैं और किसी संख्या से अगर भाग दे रहे हैं, इन दोनों के बीच अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, एक। अगर अंतर एक है तो आप आसानी से कर लेंगे। हम देखिए लिखना क्या चाह रहे हैं, अंतर एक होना चाहिए, दोनों के बीच में अंतर एक होना चाहिए, यानी जिसमें जिससे भाग दे रहे हैं। तो अंतर एक हो गया तो बना लेंगे। तो आपके मन में कि अंतर सर एक नहीं रहेगा तो हम कैसे करेंगे, तो भी अगले सवाल जब आएंगे तो वहाँ पे जरूर देखेंगे। अंतर एक नहीं होगा तो अंतर एक करने का कोशिश करेंगे। आखिर हम अंतर एक को क्यों ढूंढते हैं। मान लीजिए कि हम अगर 18 में 17 से हम भाग देते, उल्टा करके देखिए कि 17 का 17, 18 में 17 गया कितना, एक। अब एक अंतर हमने देख रहे हैं तो किसी भी संख्या का अगर एक अंतर लेके चलेंगे तो आसानी से आपका निर्माण होगा। तो यहाँ पे देखिएगा 17/19 को 18 से भाग देने पर कथा शेषफल क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है कि 17 घटा जिसको और जिससे भाग दे रहे उसको, दोनों को अंतर कर देंगे, घटा दिए, इस पर पावर कितना है 19 रख दिए। अब देखिएगा 17 में 18 घटाएंगे तो क्या होगा, -1 होगा। और -1/19 क्या होगा, आपका -1 होगा, क्योंकि यहाँ विषम रहता तो आपका क्या था, माइनस आता है। यहाँ अगर सम रहता तो क्या था, प्लस आता है। जैसे आप जानते हैं माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। जैसे माइनस गुना माइनस और यहाँ गुना माइनस 3 बार कर दे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। यानी जब जब विषम आएगा तो माइनस, जब जब सम आएगा तो क्या होगा, प्लस आएगा। जब -1 आ जाए तो आप जिससे भाग दे रहे हैं उसको एक बार क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो -1 + 18 क्या हो जाएंगे, 17। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, 17। यानी 17/19 को अगर 18 से भाग देंगे तो उसका शेषफल क्या होगा, 17 होगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये कैसे, कोई प्रूफ करने का तरीका आपके पास है। बिल्कुल तरीका है, देखिए हम प्रूफ करेंगे सवाल को, बिना प्रूफ के सवाल को हम आगे नहीं पढ़ते हैं। तो चलिए प्रूफ करते हैं कैसे। मान लीजिए सपोज डेट कि 17/2, ये थोड़ा आसान है, भागा किसे देना, 18 से। अब देखिए इसको हल पहले कर लेते हैं, 17 घटा 18 पर पावर कितना, 2। अब देखिए -1/2 और इसका मान क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे सम संख्या तो 1 आ गया। अब देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएंगे कि 17/2 का 18 से भाग देने का, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। आखिर इसको कैसे प्रूव करेंगे, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। अगर 289 हम कितना से भाग देते हैं, 18 से 18 का 18 कितना, 0 1, 9 3 18 6 8 टोटल से 108। देखिए कितना शेष बचा, 1 बचा। तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो चीज़ हम यहाँ पे नोट लिख देंगे, नोट को आप विशेष ध्यान रखिएगा क्या लिखें, यानी कि वही लिखेंगे जब, जो हमने बताए, जब शेष निगेटिव, देखिएगा निगेटिव यहाँ ध्यान रखिएगा, लिख देते पूरा हम, जब शेष निगेटिव में आ जाए, निगेटिव में आ, ब्रैकेट में लिए निगेटिव में आ जाए तो उसमें भाजक को जोड़कर आंसर लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। अब पॉजिटिव रहने पर देखिएगा, पॉजिटिव रहने पर वही आंसर होगा। देखिए हमने वही काम किए जो हम यहाँ पे आपको बताए, वही हमने यहाँ पे नोट में लिखे, जब शेष क्या हो, निगेटिव में आ जाए तो उसमें भाजक को जोड़कर आंसर लिखेंगे, यानी भाजक जिससे भाग दे रहे हैं। अब देखिए अगर पॉजिटिव रहने पर वही आंसर होगा, किन्हीं को कोई परेशानी। अगर यहाँ निगेटिव आया तो उसमें हम खुद एक बार भाजक को जोड़े, आंसर आया। जब यहाँ निगेटिव नहीं आया तो डायरेक्ट वही क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आप इस सवाल को आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि 14/116 को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। पहले देखिए दोनों के बीच अंतर कितना है, 1 का है, तो 14 घटा क्या कर देंगे, 13। इस पर पावर 116 है, 14 में 13 गया 1, 1/116 का मान क्या होता है, 1। ये पॉजिटिव में रह गया इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। यानी 14/116 को 13 से भाग देंगे तो उसका शेष क्या होगा, 1 होगा।
अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है आपका, कि 17 पर पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो 17 घटा क्या कर देंगे आप 18, इस पे पावर कितना है 200 है। अब देखिएगा 17 में 18 गया -1, -1 पर पावर 200, तो इसका मान क्या आ जाएगा +1 में आएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया 1 हो गया। अब देखिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है कि 17 पर पावर 200 का हो गया। अगला सवाल है 25 पर पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो आप यहाँ क्या करेंगे 25 घटा 26 पर पावर 25, देखिएगा -1 पर पावर 25, तो इसका आएगा -1। अब -1 आएगा तो हमने बताए थे कि एक बार क्या जुड़ जाएंगे उसमें भाजक, तो इसमें क्या जुड़ेंगे 26, -1 प्लस 26 बराबर क्या होंगे 25, तो आपका उत्तर क्या हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। तो किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल आपका क्या कहता है, 32 57 पर पावर 683 को 32 56 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। रूल आपका एक ही है, वही रूल का प्रयोग कर सकते हैं। 32 57 घटा 32 56, दोनों का अंतर देखिए 1 है, घटा दिए। अब क्या है 683, इन दोनों का अंतर हमने क्या लिखे 1, 1 पर पावर 683, इसका मान क्या आता है 1 आता है, इसका मतलब इसका शेषफल क्या होगा 1 होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, यदि 19 पर पावर 35 को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो इसमें भी वही काम करेंगे, 19 घटा 18 पर पावर 35, दोनों का अंतर कर दीजिए 1 पर पावर 35, और 1 पर पावर 35 का मान क्या होता है आप इसको जानते हैं, तो इसको आप बना सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा शेषफल 1 हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार से कोई परेशानी, तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, चलिए अगला सवाल बहुत ही सुंदर सवाल है आपके पास, इस सवाल को भी ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, कि 25 पर पावर 25 को 24 से भाग दिया जाता है तो शेषफल होगा। तो आप क्या करेंगे 25 घटा क्या कर दीजिएगा 24 पर पावर कितना है 25, तो इसका क्या होगा 1 पर पावर 25 बराबर क्या हो जाएंगे 1, तो इसका शेषफल क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। एकदम ये ध्यान रखना है कि अंतर क्या होना चाहिए दोनों के बीच, जिसमें जिसे भाग दे रहे हैं 1 होना चाहिए। सारे सवाल आप इससे आसानी से बना सकते हैं। अगला सवाल आपके पास देखिएगा कितना सुंदर है, कि 2 पर पावर 100 में 3 से भाग देने पर 2 घटा क्या कर दीजिएगा 3, इस पर पावर कितना है आपका 100, तो देखिएगा -1 पर पावर 100 बराबर क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल बहुत ही सुंदर सवाल है, और अब थोड़ा सा चेंज किए हैं सवाल में, क्योंकि उस प्रकार सवाल आप बना सकते थे, इसलिए सवाल को थोड़ा चेंज किए हैं। देखिए इस सवाल में कैसे इसको जानेंगे, कह रहा है कि 18 पर पावर 142 पर +343 को 19 से भाग देने पर कितना शेष होगा। आपको मेरे भाई पता है कि अगर एक्स प्लस वाई अगर भाग देने 2 से कहे, तो एक्स में भी भाग 2 से पड़ता है और वाई में भी भाग 2 से पड़ता है, तो आप ये जानते हैं। उसी प्रकार जब इसमें कह रहा है तो इसमें भी भाग देंगे, और इसमें कह रहा है तो इसमें भी भाग देंगे, तो भाग देने पर कितना शेष होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने देखिएगा कि जब ये रूल हम पढ़ रहे हैं कि 18 पर पावर 119 से भाग देना है, तो इसमें 18 घटा हमने क्या कर देंगे 19, और इसमें कितना लिख देंगे 142 पावर। अब देखिएगा यहाँ पे हमारा क्या 343, जब हमने बताया कि x प्लस वाई 2 से भाग रही है, इसमें इससे भाग देते हैं तो इसमें भी भाग देंगे, इसमें भी भाग दे करके लिख देंगे एक साथ। अब देखिएगा इसमें हम भाग देते हैं 343 में हम भाग कितना दिए 19 से दिए, देखिएगा हम बगले में दे रहे हैं 19 एक 19, 14 में 9 गया कितना बचा 5, यहाँ 2 में 1 गया कितना 1, फिर कितना उतरा 19 80 92 से 152 कितना यहाँ शेष बचा 1 शेष बचा। अब देखिए इसके लिए क्या हो गया 1 हो गया। अब 18 माइनस 19, तो -1 पर पावर कितना 142 प्लस 1, तो कितना हो जाएंगे इसका, इसमें -1 पर पावर सम संख्या इसलिए 1, और यहाँ पे प्लस क्या होगा 1, 1 1 क्या हो जाएगा 2, यानी कि इसका शेषफल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अगर किन्हीं को लगे नहीं सर हम इस विधि से नहीं बना कर किसी और विधि से बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, तो आप जैसे चाहेंगे वैसा बना सकते हैं। देखिए कि हम सेकेंड लॉ में जैसे प्रयोग कर सकते हैं, सेकेंड लॉ देखिएगा एक साथ कर लीजिए, जैसे कि 18 घटा क्या कर देंगे 19, तो इसको करना ही करना है, पर पावर कितना 142 करेंगे +343, यहाँ हम लिख दिए 343, बाद में ही करेंगे तो क्या दिक्कत है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, बाद में भी आप इसको कर सकते हैं।
अब देखिए इसमें माइनस एक पर पावर किया 142 प्लस कितना 343 हो गया। अब देखिए यहाँ माइनस एक है तो इस पर 142, तो इसका मान क्या हो जाएगा प्लस एक और यहाँ 343, इसका मतलब 300 क्या हो जाएंगे 44। अब 344 हमारे पास जो आया उसमें 344 में किससे भाग देना 19, क्योंकि ये भाग देने में स्थिति में, फिर भी जब दोनों एक साथ लेकर के जा रहे हैं तो ये भाग देने की स्थिति में, भाग देने की स्थिति में इसीलिए हम 19 इसमें क्या करेंगे एक बार फिर भाग दे देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर भाग देते हैं तो 19 एक 19, तो 14 में न हो गया कितना 5, यहाँ कितना एक, यहाँ कितना। अब देखिएगा यहाँ से अगर हम लेकर के चलिए, ध्यान दीजिएगा 19 8 92 से, तो यहाँ पे क्या हो गया 152, तो शेष हमारा कितना 4 में 2 गया 2, ये कैंसिल, तो कितना बच गया 2, तो यहाँ भी आपका क्या हो गया शेष 2 हो गया। तो किसी प्रकार से कोई दिक्कत, अगर किसी प्रकार से कोई दिक्कत है तो ज़रूर बताना चाहेंगे इसमें, किसी प्रकार से कोई परेशानी इसमें नहीं ना आप सबों को। तो चलिए हमने देख लिया कि इसका भी आंसर क्या हो गया 2 गया। सेकेंड नियम से बनाए या कहीं से बनाए तो आपका बनेगा। चलिए अगला सवाल चलते हैं, अगला सवाल देखिए आपका क्या कहता है, अगले सवाल पे फोकस करिएगा। उसी प्रकार सवाल है, इसको भी आप उसी विधि से बना सकते हैं जैसा आपको मन करे, विधि बहुत है आप बना सकते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले इसमें इसमें भाग देना, इसमें भी भाग देना है, तो कैसे लिखेंगे आप 13 घटा 14 पर पावर 143 प्लस, देखिए एक साथ कर सकते हैं 14 दशमलव 4 से कितना बचा शेष 3 3, एक बार में हम लिख दे पहले से। अब देखिए 13 में 14 माइनस एक और यहाँ कितना 143 प्लस कितना 3, अब देखिए माइनस एक यहाँ निकलेंगे, माइनस एक निकलेंगे प्लस कितना यहाँ होगा 3 होगा। अब देखिएगा यहाँ पे हमने कर दिया कि माइनस एक और प्लस 3 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया 2, ये भाग देने की स्थिति में है नहीं है, तो आंसर इसका हो जाएगा 2। लेकिन कहेंगे कि सर जब माइनस आता तो खुद एक बार जोड़ दे तो ऐसे कहाँ बनाए, तो चलिए उसको सेकेंड लॉ से ही बना देते हैं। देखिएगा सेकेंड लॉ में भी वही नियम प्रयोग करेंगे, 13 माइनस 14 पर कहीं से बनाइएगा भाई आपका आंसर सेम आएगा। देखिए 3 लिख दिए, या 3 लिखें या ना लिखें तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए हम लेते हैं यहाँ पर माइनस कितना आया 1 पर पावर 143 प्लस 3, अब माइनस 1 आएगा और इसमें कितना जोड़ना है 14, देखिए 14 प्लस 3, अब देखिए 14 3 17 17 में गया कितना 16, अब ये भाग देने में स्थिति में किसे देंगे 14 से, 14 का 14 शेष कितना बचेगा 2, तो इस कंडीशन में भी क्या हो गया शेष 2 बच गया। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत है नहीं है, और तरीका आप लगा सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि आप देखिएगा 143 रहने देते, अगर यहाँ मैं 143 इसको हम भाग नहीं देते, जैसे तीसरा लॉ भी एक हम बता ही देते, देखिएगा थर्ड लॉ नियम बहुत तरीका है कि 13 घटा क्या करेंगे 14, बिल्कुल करिए 143 लिख दीजिए और हमारा प्लस 143 को रहने दीजिए। देखिए यहाँ क्या होता है, इसमें अगर बात करेंगे तो माइनस एक आएगा, 143 प्लस कितना 143, अब देखिए माइनस एक आएगा 143, अब इसको करेंगे हल तो क्या होगा 142, ये क्या है देखिए 142 भाग देने की स्थिति में, तो 14 दशमलव 4 से 14 से भाग देने शेष कितना बचेगा शेष 2 बचेगा। यानी इस प्रकार के सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं, कैसा लगा भाई जरूर कमेंट करके बताएंगे आप, और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा देखिए सवाल यहाँ पे बहुत ही सुंदर आ गया है, अब सवाल में यहाँ क्या कहता है इसको ध्यान देना है कि 8 पर पावर 2 8 पर पावर 3 8 पर पावर 4 को 7 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा, तो इसके शेष की अगर बात करेंगे शेष हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए इसमें अगर बारी बारी से बात करें तो अभी अगर हम यहाँ बात करें एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर मान लीजिए 7 से भाग देना तो एक्स में भी भाग देंगे वाई में भी देंगे जेड में भी देंगे, तो हम इसको लिख सकते थे एक्स बटे 7 प्लस वाई बटे 7 प्लस जेड बटे 7, ऐसा आप करते हैं तो उसी प्रकार इसमें भी भाग देने का हक है, इसमें भी है इसमें भी है, तो 8 में 7 अंतर कितना 1 1 पर पावर 2 एक ही रहेगा, इसमें भी क्या होगा 1 होगा, इसका भी क्या होगा 1, और 1 1 क्या होगा 3 3, अब भाग देने की स्थिति में है 7 से कम है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते थे, देखिएगा सेकेंड लॉ से 8 पर पावर 2 कॉमन लीजिए बचेगा क्या 1, यहाँ 8 यहाँ कितना 8 पर 3 ये थी, यहाँ पर 2 2 रख दीजिए ठीक है, अब देखिएगा क्या होगा 8 पर 2 1 प्लस 8 प्लस 8 64, तो 8 देखिएगा स्क्वायर इधर रहने दीजिए 64 और 9 क्या हो जाजाएगा 73 73, देखिए अब ये गुण इसमें अगर भाग ले जाए इसका गुणज में भाग लगता है, तो इसमें अगर हम 7 से भाग देंगे कितना से सोचा 3, इसका मतलब इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर, कहीं दिक्कत किसी प्रकार से कोई परेशानी अगर होगा तो ज़रूर बताइएगा। अब देखिएगा बहुत ही सुंदर सवाल
आपके साथ आया है। अब हम बात कर रहे हैं कि अंतर, देखिए अभी हम जो भी सवाल पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे एक का अंतर हो तो आसानी से कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो अंतर एक है नहीं। देखिए ये 66 है और ये 13 है, कौन कहता भाई अंतर एक है, नहीं है। तो इस तरह के सवाल में आप कैसे बनाएंगे, यहाँ आप कैसे जानेंगे, यहाँ पे आपको परेशानी लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है। देखिए इसका कोई भी गुणज, यानी कि अगर ये गुणज में ले सकते हैं तो गुणज से जाएंगे, अगर ये पावर से है तो पावर से जाएंगे, यानी गुणा करके पावर के साथ इनके करीब जाएंगे, इनके गुणज कोई भी इन दोनों का अंतर एक कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कैसे, अगर मान लीजिए कि 13 का 13, 13 दुना 26, 13 39, 13 चौकी 13 25। अब देखिए 13 का अपवर्त है 65, इसीलिए 65 और 66 में कितना का अंतर है, एक का अंतर है। तो हमने बताए थे जब एक का अंतर है तो एक का अंतर करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं 66 घटा कितना लिख सकते हैं 65। अब कहेंगे सर 65 कहाँ आएंगे, तो लिखेंगे चूंकि 13 का अपवर्त, एकदम ये सब पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, अपवर्त कितना, 13 का अपवर्त 65 है। अब 65 है और आप जानते हैं 65 है और 66 और 65 का अंतर कितना है, एक है। तो आप ये समझ गए होंगे, तो इसमें क्या करेंगे 66 घटा 65 पर पावर कितना 486। अब दोनों में अंतर कितना, एक, एक पर पावर कितना 486, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। तो देखें ना कितना आसान था ये सवाल, आप इसको बना लिए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगला सवाल आपका क्या कहता है, अगला सवाल आपका है 11 पर पावर 143 को 9 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा। तो भाई देखिएगा 11 पर 143 से 9 से भाग देना, हमने बोली किसी भी स्थिति से आप जा सकते हैं, एक अंतर कर सकते हैं या पहले घटा के कर सकते हैं, कहीं से भी चलिए, जहां से आपको सुविधा हो वहां से चलिए, कोई परेशानी नहीं होगा। देखिए 11 का 143 एक 9 का करेंगे, 9 दुनिया 18, 9 किया 17, 9 चौ 36, 9 चौ 45, किसी भी स्थिति में हम जा पा रहे हैं। तो 11 पचे 55 कहीं बोलिए 11 66, अब 9 7 63, अब कहीं भी नहीं, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि 11 घटा 9 यहीं घटा दीजिए। देखिए 11 घटा 9 कर दिए, अगर 9 से हम 11 में भाग देंगे ऐसे भी 2 शेष बचता, तो उस रिमाइंडर से भी ले लिए। अब 143 यहाँ पावर आने दिए, अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया 2 पर पावर 143। अब देखिए 2 पर पावर 143 है, लेकिन 9 से 7 हम आ सकते हैं इसका स्क्वायर के साथ, कोई भी अपवर्त लेके इधर से चले इधर से चले उसका एक अंतर कर देंगे। अगर इनको हम आगे लिखें तो 2 पर पावर 3 दे देंगे, किसी को दिक्कत होगा, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 पर पावर 3 को 8, 8 और 9 का अंतर कितना होता है, एक होता है, 8 और 9 का अंतर एक होता है, इसलिए हम 2 पर पावर 3 डाल दिए। जैसे 2 पर पावर 3 डालेंगे तो यहाँ 47 और यहाँ पे देखिएगा 7 3 21 4 3 12 141 हो जाएगा, 141 और बचा कितना उधर 43 पूरा होना है, तो 2 पर पावर 2 ऐसा डाल सकते हैं बिल्कुल। 2 पर पावर 3 को क्या कहता है 8, 8 पर पावर कितना हो गया 47 गुना 2 दूनी 4, जो हल करने का है प्रक्रिया आप कर सकते हैं। अब देखिए 9 और 8 में अंतर कितना का है, एक अंतर है, बिल्कुल अंतर एक है। तो आप क्या करेंगे 8 घटा 9 पर पावर 47 गुना कितना 4 कर दीजिए। अब देखिएगा 8 में हो गया माइनस 1 पर पावर 47 गुना कितना कर देंगे 4 कर देंगे, माइनस 1 गुना क्या करेंगे 4, तो क्या हो जाएगा माइनस 4। आपको बताए थे अभी रूल में क्या बताए थे कि जब किसी भी संख्या का माइनस में आ जाए तो उसमें एक बार क्या होता है भाजक जुड़ जाता, तो कितना जुड़ जाएंगे इसमें 9 जुड़ जाएंगे, तो माइनस 4 प्लस 9 बराबर क्या हो जाएंगे 5। तो इसका शेषफल क्या होगा, इसका शेष कितना होगा, इसका शेष 5 होगा। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगला सवाल देखिएगा कितना सुंदर सवाल है आपके पास, कहता है 3 पर पावर 148, यहाँ देख पा रहे होंगे आप 3 पर पावर 148 को कितना से भाग देना है, 5 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा। तो आप इसको आसानी से भी कर सकते हैं, अगर देखिएगा 3 का अगर करिएगा कैसे जाएंगे, 3 का करते कहीं 9, कहीं 3 पर 27, कहीं 25, तो यहीं से डायरेक्ट इसको आप उतना नहीं कर पाओगे, तो अंतर कर दूँ 3 घटा क्या हो गया 5 पर पावर कितना है 148, एकदम आसानी से -2 -2 पर पावर 148। अब देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं -2, इसको अगर हम ऐसा करें तो हमारा यहाँ से निकल भी सकता है कि इसको अगर हम 2 दूनी 4 करें, 4 और 5 का अंतर क्या हो जाता है, एक हो जाता, तो 2 पर पावर 2 डाल के इस पर क्या कर दें, यहाँ पे दे देते हैं 7 दूनी 14, 4 दूनी 74 होगा, 2 दूनी 4, देखिए माइनस पर स्क्वायर है तो प्लस हो जाता, तो 4 पर पावर कितना 74। अब देखिए 4 और 5 का अंतर कितना, एक है, तो हम क्या घटाएंगे 4 घटा 5 और पावर 74, तो क्या हो जाएगा -1। अब -1 पर पावर हमने क्या रख देंगे 74, तो इसका मतलब है कि आपका यहाँ समसंग क्या है, तो इसलिए प्लस में रह जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो आप ये समझ गए होंगे भाई कि जब अंतर एक ना हो तो भी आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगला सवाल क्या कहता है,
9 पर पावर 16 का था, 9 पर पावर 6 प्लस 1 को यदि 8 से भाग दिया जाए तो शेष प्राप्त होगा, यानी कि 9 पर पावर 6 है प्लस 1 को यदि 8 से भाग दिया जाए तो चलिए इसमें पहले भाग, दोनों स्थिति में भाग दे सकते हैं। हमने बार बार बात कर रहे थे कि x प्लस वाई में 2 रहे तो दोनों में भाग पड़ता है, तो इसमें भी पड़ेगा इसमें भी पड़ेगा, ये भाग देने की स्थिति में नहीं है तो इसमें हम दे सकते हैं। तो 9 और 8 का अंतर कितना हो गया 1, तो 9 घटा 8 पर पावर कितना 6 प्लस 1 चढ़ाई, इसमें कितना आया 1 पर पावर 6 प्लस 1। अब देखिएगा इसका मान 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, अब 2 भाग देने की स्थिति में रहता तो फिर भाग देते, यानी 8 से अगर ये बड़ा रहता तो भाग देते, 8 से बड़ा नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कहीं किसी प्रकार से किसी को दिक्कत कोई परेशानी होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लिखेंगे। फिर हम अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगला सवाल देखिए क्या कहता है आपका, बहुत ही सुंदर सवाल आपके लिए फिर लाए हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता, 3 पर पावर 1989 में 7 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। देखिए ये पावर में कितना बड़ा है उसको 7 से भाग देना है, कैसे इसको करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप इसको 7 चौक 28, इसमें 4 से गुणज करता 18, 3 3 9 3 27, अगर इस पर हम 3 पर पावर क्यू डाल दें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर से करके दोनों तरफ से चल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा तो ज़रूर पूछेंगे आप। देखिए इसमें देंगे 6 3 18, फिर 6 3 18, 3 3 9 हो गया। अब देखिएगा इसमें हमने देखे भागा अभी कितना देना 7 से, इसको एक बार लिख दिए, अब देखिए 3 3 9 3 27 और 7 चौक 28 और पावर कितना है 600 देख लीजिए 63, अब माइनस 1 पर पावर 663, देखिए 663। अब यहाँ पे देखिएगा इसका मान माइनस में ही आएगा, और जब माइनस में आए तो हमने एक बार बोले थे खुद क्या होता है ये भाजक जुड़ जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6, यानी आप देख लिए कि आपका आंसर क्या होगा 6 होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, बहुत ही सुंदर सवाल आपका कि 32 पर पावर 32 बटे 7 का शेषफल ज्ञात करें, यानी 7 से भाग देना है तो शेषफल ज्ञात कैसे होगा। तो ये लग रहा होगा कि बहुत बड़ा सवाल है, तो इसको कैसे प्रक्रिया में ढालेंगे और कैसे बनाएंगे, तो चलिए इस बात को हम ध्यान देते हैं कि सबसे पहले काम इसका करेंगे, इस 32 पर पावर 32 करके जो शेष बचेगा फिर उस 32 पे होगा फिर काम करेंगे, यानी शेष बचते जाएगा उसका भाग देने की स्थिति में होगा देते चले जाएगा। तो चलिए 32 पर पावर 32 को देखते हैं, यानी 32 पर पावर पहले 32 को देखते किसे भाग 7 से ट्राई करके। अब देखिएगा इसको अगर हम ले सकते हैं तो इसका गुणन से चलते हैं, 7 से करें 32 से करें, हम बोले कहीं से भी लेके चलिए तो 32 रहने दीजिए, इसका गुणन 7 चौक 28, 7 5 35 ज़्यादा हो जाता है, कम से लेके चलिए कोई दिक्कत नहीं है, और इस पर पावर कितना है 32 है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे 4 घटा देंगे 4 पर पावर 32, अब देखिएगा इससे अगर हम कर सकते हैं तो देखिए कहीं ना कहीं 4 को क्यों करते थे 64 और यहाँ 7 है 9 7 63 तो अंतर हो जाता है 1, तो 4 पर क्या दीजिएगा क्यू डालिएगा, क्यू डालिएगा तो 10 3 30 और लेकिन तो भी आपके पास क्या होगा 4 पर पावर 2 होगा, 10 3 30 2 32, यहाँ तक कहीं दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो बताइएगा। और देखिए 4 चौक 16 चौकी 64, 64 घटा 9 7 63, 7 का गुणज बता रहा है तो 63 कर दीजिए, पावर कितना हो गया 10 और गुणा 4 चौक 16, अब देखिए 64 में 63 भैया 1 1 पर पावर 10 और गुणा कितना 16, अब देखिए 1 गुणा 16 बराबर कितना हो गया 16, अब 16 यहाँ पे आंसर नहीं होगा क्यों, क्योंकि 7 से भाग देने की स्थिति में भी है तो 7 2 14, यहाँ पे शेष कितना बचा इसका, इसका शेष बचा 2, लेकिन यहाँ तक आप काम किए तो इसका 2 पर पावर अभी कितना है पुनः देखिएगा, पुनः अभी हमारा बचा है 2 पर पावर 32, अब इसको भी काम करेंगे 2 पर पावर देखिएगा 3 क्यू कर देंगे 2 2 4 2 8, तो इस पर क्या हो जाएगा 10 3 30 और गुना 2 पर पावर 2, ध्यान देना है, अब देखिए 8 पर पावर 10 और गुना कितना 2 2 4, 8 घटा कितना 7 पर पावर 10 गुना कितना 4, अब देखिए कितना 1 पर पावर 10 और गुना कितना 1 पर पावर 10 गुना कितना 4, अब यहाँ से क्या होगा 1 गुना 4 बराबर 4, तो आप समझ गए होंगे कि 32 पर पावर 32 को अगर भाग देंगे 7 से तो उसका शेषफल क्या होगा 4 होगा। कैसा लगा भाई जरूर बताएंगे आप, इस प्रकार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हम आपके जितने भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है उसी को लेकर के आते हैं, आप इसको अगर प्रैक्टिस कर लेंगे विभाज्य पर आधारित प्रश्न तो विभाज्य का प्रश्न सारे का सारे आपके आने की संभावना रहेंगे। तो चलिए एक प्रश्न और है, लास्ट प्रश्न विभाज्य पर यानी आज के टाइप में, तो चलते हैं क्या है कि 7 पर पावर 19 प्लस 2 को 6 से भाग दिया जाता है तो प्राप्त शेषफल क्या होगा। तो देखिए इसमें ध्यान दीजिए कि 6 और 7 का अंतर यहाँ पर 1 है, तो क्या करेंगे आप 7 घटा 6
पर पावर 19 प्लस 2, ये भाग देने की स्थिति में इसलिए 2 ही रहने दीजिए उधर, 7 में छक गया, 1 पर पावर कितना 19 प्लस कितना 2, और यहाँ 1 किसका आएगा 2, 2 1 क्या हो जाएगा 3। अब 3 भाग देने की स्थिति में 6 से कम है इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएंगे, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।